गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं हम लोग नेशनल से। थोड़ा जस्ट एक मिनट वेट कीजिए। हम चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था तो ये न्यूज़ का बहुत काफ़ी बार आ गया, एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन प्रॉब्लम जो है वो इस तरह का इशू में होता है, ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट। और इसलिए ये कन्फ्लिक्ट है कि जो वाइल्ड लाइफ का जो एरिया है वो एरिया धीरे धीरे करके श्रिंक कर रहा है और उनका स्पेस धीरे धीरे कम हो रहा है, और इस कारण से ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसमें अभी कंफर्म तो अभी नहीं हो पाया है सारा का सारा बात। हो सकता है वो फूड बम हो, ट्रैप्ड इन पाइनएप्पल हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं वहाँ पिग्स को मारने के लिए, वो सुअर भी फसल बर्बाद कर देते हैं, उसको मारने के लिए भी इस तरह के ट्रैप लगाते हैं, उससे तो उसे डेथ हो गया हो। तो ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है। ये प्रॉब्लम कई बार हम लोग पढ़ते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आसाम में एक तेंदुआ को आदमी लोग मार दिया। इसके अलावा ये एलिफेंट्स भी कई बार डैमेज करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स को। तो एक माधव गाडगिल कमेटी था, ये माधव गाडगिल कमेटी का जो रिपोर्ट था उसमें कहा गया था कि जो इंटायर वेस्टर्न घाट्स है इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव घोषित कर दिया जाए और यहाँ पर किसी भी तरह का सो कॉल्ड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। इससे यहाँ का हम इकोसिस्टम को मैनेज कर पाएंगे, वाइल्ड लाइफ को हम मैनेज कर पाएंगे। तो एक जो थॉट में जहाँ पर एक समस्या जो इन्वायरमेंटलिस्ट को लगता है कि है, वो थॉट ये है कि जो भी जंगल है, वर्जिन लैंड है जहाँ पर कि छेड़खानी नहीं किया गया है, उस जगह को जनरली हमारे जो लीडर्स होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उसको एक ऐसा जगह देखते हैं जैसे जगह बर्बाद हो रहा हो। यहाँ का मिनरल्स निकाला जा सकता है, यहाँ के जंगलों को एक्सप्लोइट किया जा सकता है फॉर सो कॉल्ड डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट का जो एक हम लोगों को एक सनक है हमारे दिमाग में, उस कारण से भी वाइल्ड लाइफ का स्पेस कम हो रहा है। तो कई बार द हिंदू में निकलते रहता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है बड़े बड़े आजकल बिल्डिंग्स बना देना, कंपनी बना देना। तो इससे वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता है। बाकी इसमें जो आपको पता ही है, कवर कर ही दिया है कि इसमें कम्युनल एंगल किस तरह से दिया गया, चूँकि केरल में हुआ, केरल में रिलेटिवली मुस्लिम्स ज़्यादा है,
तो ये दिखाने का कोशिश किया गया कि ये मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हुआ है, इंडियन कल्चर के खिलाफ में है, तो ये कई सारा बात हुआ, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो इस आगे बढ़े जा रहे हैं। ये फोटो आप लोग प्रोबेबली देखे होंगे, तो ये फोटो आजकल न्यूज में है। चलिए, आप लोग का पूरा स्क्रीन का फ्रेम में ही हमें कर दिया। तो ये न्यूज, अच्छा न्यूज को तो छोड़ते हैं, आप लोग ये बताइए कि ये फोटो कहाँ का है। नहीं, देव बफरिंग नहीं हो रहा है। ये फोटो कहाँ का है? अच्छा, हो सकता हुआ होगा, बट अभी नहीं हो रहा है। बॉपरिंग अच्छा, दो आंसर हमको देख रहा है, दोनों आंसर में सूडान है। सूडान में कुछ आपसी जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है उस वजह से, और फैमिन की वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग मरे थे। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, साउथ सूडान और यमन कहाँ कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे। तो ये जो आप देख रहे हैं सीन में जो बच्चा है और पीछे में एक वल्चर है, ये वल्चर वेट कर रहा है कि हाँ, अफ्रीका तो भारतीय बच्चा को देख के ही पता चल जाएगा कि अफ्रीका का है। तो हाँ, पीछे वाला जो वल्चर है, तो ये वल्चर जो होते हैं वो जिंदा चीज़ को नहीं खाते हैं, वो मरा चीज़ को खाते हैं, ऑर्गेनिज्म को। तो ये वेट कर रहा है कि ये बच्चा मरेगा तो खाएंगे, ये ही सीन है ये। अब ये बच्चा यहाँ पे क्यों है? ये बच्चा इसलिए यहाँ पे है क्योंकि आगे में एक यूएनओ का एक प्लेस है, वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब एक तरह से हेल्प सेंटर है वहाँ पे, वहाँ तक ये बच्चा पहुँचना चाह रहा है और उसी कोशिश में ये आगे आगे बढ़ रहा है। ये सीन है, पीछे में एक वल्चर है। ये जो फोटो जो ये खींचा, ये वर्ल्ड रिनोन्ड फोटो है, ये फोटो करंट ऑफ है, ये दुनिया में इस फोटो का काफ़ी काफ़ी नाम हुआ, और इस फोटो के कारण दुनिया को पता चला कि सूडान में हालत कितने सीरियस कंडीशंस है। तो ये जो खींचने वाला था, इसको पुलिट्जर प्राइज भी मिला। ये खींचने वाला बाद में ये सुसाइड कर लिया, ये कहानी यही है, खींचने वाला जो था ये बाद में सुसाइड कर लिया। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हाँ, बाद में ये सुसाइड कर लिया। तो अभी अब इंडिया में इसका जो ये क्या इसके बारे में चल रहा है वो बता रहे हैं। ये इंडिया में जो माइग्रेंट्स लेबर चलना शुरू किए, तो देखिए, किसी से छिपा नहीं है कि कुछ जो मीडिया है वो सरकारी मीडिया है, सीधा सीधा बात है, वो केवल सरकार का फेवर में बात करते हैं। तो लेकिन कुछ मीडिया, पर्टिकुलरली एनडीटीवी में, ये माइग्रेंट लेबर का जो प्रॉब्लम था वो दिखाना शुरू किया गया। अब दिखाना शुरू किया गया तो ये भी आश्चर्य का बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट करीब करीब
40 दिन का जो कुंभकर्णी निद्रा था उसके बाद वो जागी, यही सब देख के जागी जो टीवी में चल रहा था माइग्रेंट लेबर का, और वो सुओ मोटो केस ली। आपको तो ये याद होगा कि ये सुओ मोटो केस सुप्रीम कोर्ट ली, लेकिन तब तक ये 40 डेज बीत चुके थे काफ़ी लेट से, जो तो अब लेके केस क्या होगा, सब कुछ तो जो होना था हो ही चुका था। खैर, तो ये सुओ मोटो केस ली, ये केस ली तो जब सरकार के ऊपर, सरकार को डिफेंड करने के लिए जो पर्सन होता है टॉप लेवल का, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसके नीचे में जो होते हैं उनको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जनरल ऑफ इंडिया एससी, ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल को भेजा गया। तो तुषार मेहता है ये सॉलिसिटर जनरल, वहां पर हाँ सब बता रहे हैं, सारा का सारा कहानी बता रहे हैं। वहां पर पैसेंस रखिए, सब कुछ हम बोल देंगे। वहां पर जाकर के वो एक कहानी सुप्रीम कोर्ट में सुनाए, सुप्रीम कोर्ट में कहानी ये सुनाए कि ये बच्चा का जो फोटो लिया, इस आदमी का नाम है केविन कार्टर, ये केविन कार्टर ये फोटो लिया, और कहानी जो सुनाए वो हम बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहानी ये सुनाए कि केविन कार्टर से, केवल सुनिएगा, अभी जजमेंटल मत होइएगा, हाँ दिमाग में बाकी बातें हटा दीजिए, केवल सुनिए मेरा बात, कोई जजमेंट मत दीजिएगा अपना दिमाग में। हाँ, तो ये बोले कि ये जो केविन केविन कार्टर है, एक रिपोर्टर से मिला, रिपोर्टर को ये फोटो दिखाया और फोटो दिखा करके इसके बारे में बात किया, तो वो रिपोर्टर केविन कार्टर से बोला, ये तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि उस बच्चे का क्या हुआ, तो केविन कार्टर बोला कि मुझे नहीं मालूम। तो रिपोर्टर बोला वहां कितने गिद्ध थे, तो केविन कार्टर बोला एक, तो रिपोर्टर बोला कि एक नहीं दो, दूसरे के हाथ में कैमरा था। ठीक, यानी ये जो कहानी सॉलिसिटर जनरल सुनाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब यहां पर थोड़ा थोड़ा एक एक बात बोलते जा रहा है, सॉलिसिटर जनरल टॉप एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बस अटॉर्नी जनरल सीधे नीचे, हमारे देश का सर्वोच्च संस्था, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा है, वहां पर तुषार मेहता ये कहानी सुना रहा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जिन टीवी चैनलों में माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में दिखाया जा रहा है, जो दिखा रहे कैमरा ले लेके, वो गिद्ध है। ठीक, दे आर वल्चर्स, दे आर प्रॉफिट ऑफ डूम एंड आर्म चेयर इंटर। आप इस कहानी को सुन के समझ गए होंगे कि वो बोलना क्या चाह रहे थे। ये जो टीवी चैनल्स में सब चल रहा था, उस टीवी चैनल्स के अगेंस्ट में बोलने के लिए ये कहानी सुना रहे थे। मजेदार बात ये है कि ये जो कहानी वो सुनाए, ये कहानी सुनाने से 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हो सकता है, फेसबुक में एक कहानी हम देख चुके थे, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड चल रहा था, खूब चल रहा था, वो लोग जो गवर्नमेंट के समर्थक है वो लोग इस कहानी को फॉरवर्ड कर रहे थे, ताकि वो चैनल के खिलाफ में एक माहौल क्रिएट कर सके जो दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं मतलब तुम दिखा क्यों रहा है, इसका हेल्प क्यों नहीं कर रहा। जैसे कि केविन कार्टर के केस में आप बोल सकते हैं कि वो इसको फोटो खींचने की जगह इसको हेल्प क्यों नहीं किया, ये बोल सकते हैं आप, हम आकिक करके बात कर रहे हैं। तो ये फेसबुक में पोस्ट चल रहा था और एग्जैक्टली तुषार मेहता वही कहानी सुनाए जो अभी हम बोल रहे हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कहानी था। ये कहानी दुनिया में कहीं भी नहीं है कि ये केविन कार्टर के साथ ऐसा हुआ था, ये एक मनगढ़ंत कहानी है
जिसको कि वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिए लाइन बाय लाइन व्हाट्सएप से। ये बड़ा हम क्लास ये यूपीएससी का पढ़ाते पढ़ाते ये बात हम आपको बताते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो बर्बाद हो रहे धीरे धीरे करके और उनका स्टैंडर्ड बहुत गिर रहा है। हमारा सॉलिसिटर जनरल एक कहानी ऐसा कहानी सुनाता है जो एक्चुअली है नहीं। ठीक, दूसरी बात ये है कि सुसाइड को वो इससे जोड़ने का कोशिश किए कि सुसाइड जो था इससे रिलेटेड था इस घटना से, तो इसका भी कोई एविडेंस नहीं। देखिए, हम लोग का सोचना और रियलिटी में जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। कोई पर्सन सुसाइड करता है तो आप हजारों कहानियां मन में गढ़ेंगे कि ये हुआ था उसके साथ, वो हुआ था, बट हो सकता है अंदर में कारण कुछ और ही हो। तो ये जो पर्सन था इसके मल्टीपल लव अफेयर्स रहे, एक पॉइंट। तो एक तो अपने बात आप में ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज लग रहा है, मल्टीपल लव अफेयर्स रहे। दूसरा बात है कि इसका जो काम था इस तरह का बहुत स्ट्रेसफुल था, देख ही रहे, जिसमें बहुत सारा इथिकल इश्यूज के मन में भी आता होगा। फिर क्या था, उसको काफ़ी सारे फिनेंशियल प्रॉब्लम थे। तो वो जो अपना सुसाइड नोट में अपना फिनेंशियल प्रॉब्लम्स का और ये जो वर्क रिलेटेड लोड है उसका जिक्र किया था, इस फोटो का कहीं जिक्र नहीं किया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के हमारा सॉलिसिटर जनरल एक तरह से झूठ बोल रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं, अगर सॉलिसिटर जनरल को थोड़ा सा आप लेनियंट होंगे तो वो अनफाउंडेड स्टोरी, ठीक, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उस तरह का स्टोरी वो सुना गया। तो ये कहानी है। अब कहानी को थोड़ा चीरफाड़ कर देते हैं कि देखिए, अगर टीवी वाले नहीं दिखाते, एक पॉइंट, तो वो सुओमोटो केस ये कोर्ट लेता कैसे, जब उसको पता ही नहीं चलता। पहले उसके पहले बता दे कि एविडेंस ऐसे है कि केविन कार्टर इस गिद्ध को भगा दिया था फोटो खींचने के बाद, और ये बच्चा ये सक्सेसफुली वो पहुंच गया था उस ऑफिस में जहां पर इसको मतलब जो हेल्प सेंटर होता है वहां तक ये बच्चा पहुंच गया था सक्सेसफुली। ये केविन कार्टर का किसी से कहना था कि ये हम इस बच्चा को छूने से, जो इसके साथ में इसके साथी थे, इस बच्चा को छूने से मना किए थे। इसलिए छूने से मना किए थे कि काफ़ी सारी वहाँ बीमारियाँ फैली हुई थी और ये छूने वाले को भी हो सकता था, इसलिए उसको छुआ नहीं, लेकिन वो गिद्ध को भगा दिया और बच्चा पहुँच गया था वहाँ तक और वो जिंदा बच गया था। यहाँ तक कहानी है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ करके चला गया था, वो भी कहानी मतलब वो झूठ है कि वो छोड़ करके चला गया था और वो रिपोर्टर में बच्चे का क्या मुझे नहीं मालूम, उसको वो नहीं मालूम वो ठीक बात है, बट गिद्ध को पका दिया था। खैर, तो ये जो था ये सुओमोटो केस तो उन फोटो के बेसिस पर ही हुआ है। तो अब बात ये है, हाँ, जो भी थोड़ा और बेटर वर्ड होना चाहिए, हम ये जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हेल्प करते हैं, थोड़ा हम एक टर्म कुछ भूल रहे हैं। तो हाँ, तो हर किसी का एक अपना प्रोफेशन है, आप उससे ये नहीं उम्मीद कर सकते कि दूसरों का काम भी कर देगा। ये फोटोग्राफर जो होते हैं, ये फोटो उनका काम ही है दुनिया को दिखाना। अगर इस वल्चर को अगर लगता है कि ये वल्चर ये ऐसा कर रहे वल्चर है, तो फिर ये जो निर्भया कांड में जो वकील जो एक्यूज उनका वकालत किया वो भी वल्चर हो गया, क्योंकि उसको तो पता था कि ये रेपिस्ट हैं। लेकिन वकील का एक प्रोफेशन होता है, अगर किसी क्रिमिनल को कोई एडवोकेट नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम देंगे, यानी कि प्रोफेशन एक अलग चीज़ है और उसको आप जगह जगह पे अगर इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो ये बकवास बात हो जाएगा। तो ये खैर ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा हुआ है और इसका काफ़ी न्यूज़ था। फाइनली इसका पड़ताल जो है पूरा का पूरा वो अल्ट न्यूज किया था जो हमको बताए थे कि इसमें काफ़ी कुछ
मतलब पूरा स्टोरी व्हाट्सएप का क्या स्टोरी है, वो क्या क्या बोले, एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो वो बात बोले और क्या वो सच है कि वो पड़ताल हुआ था। बाकी बातें जो ये हम बता ही रहे कि धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हुए हैं, तो बर्बाद हुए हैं, तो बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आप समझ भी जाएंगे, हम ज़्यादा अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जेसिका लाल मर्डर केस का केवल हम इसलिए लाए हुए हैं कि यहाँ पे हाँ खैर बोल दे, ये जेसिका लाल मर्डर केस है। हुआ क्या है कि इसका जो मेन एक्यूज्ड है उसका नाम है मनु शर्मा। ये मनु शर्मा को आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन दिल्ली सरकार जो है उसको प्री मेच्योर रिलीज को वो परमिशन दे दी। मतलब जब कोई आजीवन कारावास का सजा में होता है तो उसको 14 ईयर्स अगर क्रॉस हो जाए तो उस पर विचार किया जाता है कि क्या इसको छोड़ दिया जाए। तो मनु शर्मा को छोड़ दिया गया है। अभी कांड क्या है एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। एक पार्टी चल रहा था दिल्ली में, वो मनु शर्मा जो है वो हरियाणा का कांग्रेस लीडर विनोद शर्मा का बेटा है। एक पार्टी चल रहा था, उसमें जो पार्टी में जो लोग लिकर सर्व कर रहे थे उसमें जेसिका लाल थी और एक लेडी थी। तो पार्टी खत्म हो गया, सुबह में 2 बजे ये जेसिका लाल से ये दारू मांगा, तो चूंकि पार्टी खत्म हो गया था तो वो नहीं थी, तो वहां पे इसको वो गोली मार दिया। तो ये कहानी है। खैर ये हमारा बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, जस्ट एक ये करने के लिए बता दे रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर रिमिशन इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन लाइफ कन्विक्ट हैज स्पेंड 40 ईयर्स इन जेल। खैर एक और भी कारण से न्यूज में है कि दिल्ली सरकार इसको अप्रूवल दे कि इसको रिलीज किया जाए, तो बहुत लोग जो है वो इसको एक एक मिनट थोड़ा 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हाँ, तो इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है ये इसमें ये रिमिशन को परमिशन दी, तो इसको कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, इसका काफ़ी नाम हुआ था। ठीक, तो प्रिजनर को छोड़ने के समय क्या क्या ध्यान रखते हैं कि क्राइम जो था वो पहले से सोच समझ के किया गया था या फिर अचानक से हो गया, या किस टाइप का क्राइम था, या ये जो एक्यूज्ड है इसका क्राइम करने का कितना टेंडेंसी है, और ये सारी की और बाद में इसका रिहैबिलिटेशन के क्या चांसेज है। तो आगे चले हम लोग। लगता है कुछ लोग चले गए। अच्छा खैर, तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था आसाम का किसी ग्रुप की तरफ से। उस पिटीशन में बोला गया था कि ये आसाम जातियाबाड़ी युवा छात्र परिषद और ऑल ताई होम स्टूडेंट्स यूनियन एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले थे। इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है जिसमें कि आसाम को इनर लाइन परमिट
का यूज नहीं कर पाएगा, ये जो ऑर्डर था इसको चैलेंज किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को स्टे करने से रोक दी। यहाँ पर इधर पहले लास्ट का ही पढ़ रहे हैं, ये जो पिटीशन था सॉट टू स्टे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मतलब कि आईएलपी का बात कर रहे हैं, आईएलपी ही समझा देंगे थोड़ा, आईएलपी का बात कर रहे हैं, आईएलपी तो आप लोग को पता ही होगा, तो आईएलपी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। आईएलपी का फुल फॉर्म नो आइडिया। ओके तो लगता हमको बताना पड़ेगा, इट इज इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट काफ़ी पढ़े हैं हम लोग आईएलपी। हाँ बोल ये रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आसाम में आईएलपी नहीं लागू हो पाएगा, उसके लिए था, इसको स्टे करने के लिए आसाम के जो ग्रुप्स थे वो आसाम के ग्रुप्स पिटीशन दिए थे सुप्रीम कोर्ट में कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को स्टे किया जाए, वो स्टे नहीं की, सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टे की, ठीक, अभी मैटर को वो पेंडिंग डाली हुई है। ठीक तो अब हम लोग आगे आगे देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर ये है कि ये मैटर CAA से जुड़ा हुआ है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से ये पेटिशनर बोल रहे हैं डिप्राइव्ड आसाम ऑफ पावर्स टू इम्प्लीमेंट इनर लाइन परमिट अगर इन इट्स डिस्ट्रिक्ट्स, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में इनर लाइन परमिट लगा हो तो क्या होता है, आप लोगों को याद होगा। हाँ नहीं, हाँ कुछ प्रॉब्लम आया था, हम ठीक कर लिए प्रॉब्लम। अच्छा सही है, हमको उस समय नहीं दिख रहा था, अभी दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, इसको परमिशन से ही इसको मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में आप इंटर कर सकते हैं, उसका भी लिमिट्स होता है। तो ये इनर लाइन परमिट लगाया क्यों जाता था, इसको लगाने के पीछे कारण एक कारण ये था कि जो ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट थे, ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जो लोग, जैसे सोचिए नागालैंड में कुछ कोई अंग्रेज वहाँ कुछ इंडस्ट्री लगाया है या फिर सोइंग मशीन लगाया हुआ है,
ये के लिए लकड़ी के लिए या कुछ भी लगाया हुआ है, तो वहाँ पे इंडियन लोग कम्पीट ना कर सके, बाहरी लोग वहाँ आ ना सके और कम्पीट ना कर सके। दूसरी बात ये है कि वहाँ के बाहरी लोग पहुँच करके वहाँ पे कुछ ऐसा ना करे कि सरकार के साथ ट्राइबल कम्युनिटी का रिलेशन खराब हो जाए। तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम यहाँ पर ILP था, और अभी मणिपुर में भी ILP जोड़ दिया गया। अब ILP का शुरुआत का इसमें हिस्ट्री दिया हुआ है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, यहाँ से हमारा शुरू होता है ILP। ILP लाया इसलिए गया ताकि ब्रिटिश पॉलिटिकल रिलेशन विथ हिल ट्राइब्स इस पे असर ना पड़े, मतलब लोग जा कर के ऐसा कुछ ना करे कि ब्रिटिश लोगों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। और दूसरा बात यह है कि जो लोग वहाँ पे हैं, मतलब जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स प्लांटेशन वगैरह कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाए हैं, उनको कंपटीशन से बचा दिया जाए, बाकी लोग कम्पीट ना कर सके। तो ये ILP का था। नेचुरली ILP जिस एरिया में रहेगा वहाँ पर CAA का इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि जो इन लोगों को नागरिकता देना है वो लोग अगर आ करके नागालैंड में अगर रह रहे हो या जा करके वहाँ पर रहना चाहे तो उन लोगों को नहीं मिल पाएगा सिटीजनशिप अगर ILP लगा रहा तो। आसाम में ये लोग जो ग्रुप है ये बोल रहा है कि आसाम को भी ये राइट मिलना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। PM केयर्स हो गया है तो जो होना था, तो इसमें एक RTI एप्लीकेशन था। RTI एप्लीकेशन में आंसर मिला है कि इट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, तो जिसको वो बोल रहा है कि जिसको देखना है इन्फॉर्मेशन pmcares.gov.in से देख लीजिए जा करके, लेकिन ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये क्लियर हो गया। वो हम लोग कितना बार बात करेंगे, कर ही लिए बात, आगे चलते हम लोग। Area 51 समझे नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो एग्जीक्यूटिव्स को हमेशा अकाउंटेबल रखती है। ये लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रहती है। एग्जीक्यूटिव मान लीजिए कोई रेगुलेशन निकालती है कोविड के दौरान में, अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो ये हमेशा इसका जवाब देना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन दुनिया में अच्छा, अभी हमको ध्यान नहीं है इस बारे में अमेरिका वाला। अच्छा, आगे बढ़े हम लोग। तो ये जो है दुनिया में कई सारे डेमोक्रेसी में इस लॉकडाउन के दौरान में पार्लियामेंट जो होती है ये वर्चुअल मीटिंग कर रही है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सार्क का वर्चुअल मीटिंग की, आपको याद ही होगा। ठीक, तो हम इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो वर्चुअल कर ले रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट का मीटिंग जो है वो वर्चुअल नहीं हो रहा है। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग IT में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो ये राइटर यहाँ पर बात उठाया है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो काम करती हुई नहीं दिख रही है। अच्छा, वो एक बार न्यूज आया था, ठीक है, अभी हम भूल गए थे, आगे बढ़ते हैं। तो ये कैनेडियन पार्लियामेंट वहाँ काम कर रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाइब्रिड मॉडल यूज कर ही रही है।
इसी तरह से फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट किसी न किसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट का मीटिंग नहीं हो रहा है। तो अब हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है, क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है कि वर्चुअल मीटिंग हो सके। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट मे समन पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं भी पार्लियामेंट का मीटिंग करने से रुकता तो नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, उनको हाउस के में ही इसका इनको बैठना होता है, लेकिन स्पीकर जो होता है वो परमिशन दे सकता है कि उनका बाहर भी कहीं मीटिंग हो। तो सब कमेटियां जो होती है कई बार बाहर मीटिंग भी करती है। तो खैर, हम लोग बात ही कर रहे हैं। हाँ, हमको ध्यान आ चुका है वो चीज़, वहाँ वो एलियंस वाला न्यूज आया था वहाँ पर कि एलियंस का कुछ है चक वहाँ पर रखा हुआ या वहाँ पे रिसर्च होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात ये है कि क्या हमारा पार्लियामेंट का मीटिंग वर्चुअल हो सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है। तो एक मुद्दा उठ के आ रहा है कि नहीं रोकता। दूसरी बात होती है कि पार्लियामेंट की जो कमिटियाँ होती छोटी छोटी, जिसमें 20% या 30% ऐसे होते हैं, तो उनका मीटिंग कहाँ होता है। तो उनका रूल्स जो बोलता है, बिजनेस रूल्स, ये बोलता है कि इनका मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन स्पीकर जो होता है कहीं और भी परमिट कर सकता है। तो इस तरह से ये मीटिंग करवाए जा सकते थे। दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का एक प्रॉब्लम आता है कि कि पार्लियामेंट का मीटिंग अगर वर्चुअल होगा तो डेटा लीकेज या उसको कोई और देख लेगा, लेकिन कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो मीटिंग होता है तो ऐसे भी लाइव टेलीकास्ट होते ही रहता है, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, कमेटियों के मीटिंग जो होते हैं वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होते हैं, उनमें सीक्रेसी को मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए हम ऐसा सिस्टम रेडी कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी बना रहे, क्योंकि आप ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो काफ़ी जगह बिछा ही दिया गया है। अगर एमपी के घर तक नहीं हो तो उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर हो वहाँ पर जाकर के वो मीटिंग कर ही सकता है। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी लेकिन दूसरा मैटर भी है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स, जो इसके चेयर पर्सन है कांग्रेस के लीडर आनंद शर्मा, ये रिक्वेस्ट मांगे थे सेक्रेटरिएट से, राज्यसभा सेक्रेटरिएट से, कि हम लोगों का, फिर से बोल रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, इसके जो चेयर पर्सन है वो बोले थे कि ये परमिशन मांगे थे कि हम लोग का वर्चुअल मीटिंग हो। तो ये राज्यसभा का जो सेक्रेटरिएट है वो डेनाइड परमिशन, मतलब वो परमिशन नहीं दिया। अब शर्मा का क्या कहना है, वो बोल दे रहे हैं, इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन हैव समिट विथ लीडर्स ऑफ अदर कंट्रीज विथ चीफ मिनिस्टर्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। इफ द राजस्थान असेंबली कुड हैव अ वर्चुअल सेशन देन वाई नॉट अलाउ इंडियन पार्लियामेंटेरियन टू यूज इट। ठीक। और भी एक मुद्दा उठाया है ये लोग कि अगर कमेटी का मीटिंग के लिए, अगर ये लोग जैसे बोल रहे हैं, ये अपना पॉइंट दिए हैं कि तमिलनाडु से कमेटी का मीटिंग के लिए अगर दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली जाते हैं तो एज पर प्रोटोकॉल आजकल का जो है, इनको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो बोल रहे टाइम का बर्बादी होगा, फिर वापस आएंगे तो फिर चेन्नई में भी फिर 14 डेज का। तो ये बोल रहे हैं कि इसलिए वर्चुअल अलाउ करना चाहिए मीटिंग के लिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रल विस्टा के बारे में न्यूज है। यहाँ पर एक बात हम आप लोगों को और भी क्लियर कर रहे हैं, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यूपीएससी में गवर्नमेंट का फेवर करना है, ये सौरभ का क्वेश्चन था इसलिए बोल रहे हैं, या नहीं करना है। आप लोग उस बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि गवर्नमेंट को फेवर करना है कि नहीं करना है। द हिंदू आज से नहीं, पिछला 30 साल कम से कम, हो सकता है उससे भी पहले से, द हिंदू जो है वो स्टैंडर्ड एक पेपर है जिसको यूपीएससी में सब पढ़ते हैं। यूपीएससी द हिंदू इज ऑलवेज एंटी गवर्नमेंट, एकदम हमेशा ही रहता है। कांग्रेस का रहे तो कांग्रेस का आलोचना करता है, बीजेपी रहे तो बीजेपी का करता है, उसी को पढ़ पढ़ के इतना दिन तक लोग आईएएस बने। ठीक, तो आप लोग उतना दिमाग मत लगाइएगा कि हमको गवर्नमेंट के फेवर में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है। यूपीएससी अभी तक जो हालत है एटलीस्ट कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जो इथिकल हो वो लिखिए, गवर्नमेंट को भूल जाइए। फ्यूचर में यूपीएससी को भी को अगर बर्बाद कर दिया जाएगा तो हम लोग प्लान दूसरा तरीका से कर लेंगे, बट अभी तक आप बस अपने दिमाग में रखिए कि जो आपको लगता है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर इथिक्स, एज पर डेवलपमेंट, वो वाला पोजीशन ही लीजिए। अच्छा, तो ये जो है ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच बनेगा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। तो एक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनने वाला है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बनने वाला है, साथ ही साथ पीएफ प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस और वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस भी वहीं बनेगा, और जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनको म्यूजियम बना दिया जाएगा, और एक नया बिल्डिंग बनेगा पीएमओ जिस होगा। तो अभी तो इसमें यहाँ पर दिया 922 करोड़, बट 20,000 करोड़ तक लोग बात उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ का खर्चा टोटल है। तो सरकार क्या रीजन दी है, स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो खैर, अब हम लोग तो बैठते नहीं कि बोल पाए, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस साफ साफ बोले हैं कि इसको भी फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, तो ऐसा हालत नहीं होगा कि लोग वो छज्जा गिर जाएगा और गिर के मर जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है कि जब डीलिमिटेशन होगा। अच्छा, ये बना कब था, 1911 से 1931 के बीच में सारे बिल्डिंग्स जो हैं, हाँ पुराने हो गए हैं बिल्डिंग। फिर जब डीलिमिटेशन होगा, बट डीलिमिटेशन जो होगा वो होगा 31 के बाद, हम हैं 20 में, अभी टाइम है हमारे पास, होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। अच्छा, फिर क्या है कि शास्त्री भवन जो है ये नया बिल्डिंग है, कृषि भवन नया बिल्डिंग है, इसको भी तोड़ रहे हैं ताकि ये एक मॉडर्न लुक दिया जा सके। ठीक, तो खैर, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमारे पास बहुत अफ्लुएंस हो, अमेरिका में लोग जो होते हैं ना वो हाईवे में चलने के लिए एक अलग गाड़ी रखते हैं, दूसरा टाइप का, और अपना शहर में चलने के लिए दूसरा गाड़ी रखते हैं, कार। तो कार एक एक आदमी दो दो तीन तीन तरह का रखता है, एक सेडान रखेगा, एक एसयूवी रखेगा, तो उनका बात ही अलग है। तो जब उतना अफ्लुएंस हो जाए तो हमको तो फिर कुछ काम जो होता है, मतलब जिसको बोलते हैं एस्थेटिक ब्यूटीफुल, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन तब तो लोगों को दिखने भी लगेगा कि ये चीज़ें जो है ख़राब हो रही है। बट इस टाइम में जहाँ पर कि लोगों का डीए रोक दिए है, सैलरी कट हो रहा है, लोग जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, तो जो पैसे हैं जितने उनको सही जगह पर लगाना चाहिए। इसको 2-3 साल पोस्टपोन्ड कर लेने से कुछ नहीं होता, 2-3 साल ही सही, अगर सबको सुधर जाता तो फिर बनवा देते इसको। एक हमको दूसरा चीज़ दिखता है, हिस्ट्री से हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रूलर्स हुए हैं जैसे फिरोज शाह तुगलक, उनको पेंचेंट होता है बिल्डिंग बनाने का। तो दिल्ली में बहुत सारे बिल्डिंग्स अभी भी है जो फिरोज शाह तुगलक का बनवाया हुआ है, तो हम लोग कम से कम उसी बहाने उसका नाम तो लेते हैं। हालांकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही करप्ट था, बल्कि बोला जाए तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने आता ही नहीं था देखा जाए तो, बट बिल्डिंग अगर वो काफ़ी बनवा दिया। तो
वो ऐसे कई सारे पेंचेंट होते हैं। अब चक्कर ये है कि 2-3 साल रुक जाएंगे अगर ऐसा जैसा हम बात कर रहे हैं और अगला इलेक्शन हार गए, तो फिर ये कैसे कोई बोलेगा कि ये चीज़ आज से 100 साल बाद कि ये मोदी के टाइम में हुआ था। तो डेवलपमेंट तो दिखना चाहिए ना। अच्छा, तो इसको और भी लोग आर्किटेक्ट्स और आर्किटेक्ट्स जो है क्वेश्चन किए हैं, लैक ऑफ स्टडीज टू अ सर्टेन नीड फॉर द प्रोजेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन। आगे बढ़े, ये जो जम्मू और कश्मीर का हम पिछले बार बात किए थे कि वहाँ पे डोमिसाइल के कुछ नए रूल्स आए हैं, उस रूल्स के कारण बाहरी लोग जो होंगे वो लोग को वहाँ का डोमिसाइल मिल पाएगा। डिपेंड्स कि वो वहाँ पे 15 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स के कुछ कुछ रूल्स थे वो पूरा कर दे। वहाँ पर एक और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट था जिससे कोई पर्सन कितना जमीन मैक्सिमम रह सकता है उसको एबोलिश कर दिया गया है। इसलिए वहाँ पर ज़मीन जो होगा लोग बाहरी लोग यानी मेनलैंड इधर हम लोग का जो एरिया है यहाँ से लोग जाकर के ज़मीन ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मतलब चिंता होने लगा है जम्मू के लोगों को कि यहाँ पे बाहरी लोग ज़्यादा आ जाएंगे और जो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है जम्मू का वो बर्बाद होगा। तो जम्मू के लोग जो है वो क्यों ज़्यादा डरे हुए हैं कि कश्मीर में भी तो इफेक्ट। हाँ एग्जैक्टली, हाँ सुजाता जो मुद्दा उठाई वो बिल्कुल सही है कि हम लोग तो इसका मतलब बोलते ही है कि अकाल पड़ा हुआ है और दरबार हो रहा है, तो वही है दरबार हो रहा है और हालत जो है वो बहुत गंभीर है। हमको नहीं पता कि आप लोग में से किसको वो बात मतलब पर्सनली दिख रहा होगा, बट हालत बहुत गंभीर है। ये मतलब बहुत सारे लोग जो ठीक ठाक खा पी लेते थे वो गरीबी में घुस रहे हैं। मतलब पिछला 10 साल में मेहनत करके अगर गरीबी से बाहर आए होंगे किसी भी तरीका से तो वो वापस गरीबी में जा रहे हैं, तो हालत अच्छे नहीं है कुल मिला करके। और आप लोग थोड़ा कोविड पर बात कर लेते हैं, तो कोविड का न्यूज़ नहीं है कि दिल्ली सरकार का एस्टिमेशन है कि अगला महीना तक केवल दिल्ली में 5.5 लाख केस होंगे केवल दिल्ली में। आज इंडिया में केस है करीब करीब 275 या 280 के आसपास में होगा, 275 लाख, इसका डबल केवल दिल्ली बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे हो जाएगा, तो स्थितियाँ और भी गंभीर होंगी। और दिल्ली में बेड्स कितने हैं, अभी आज हम न्यूज़ सुने थे बेड्स जो हैं वो अराउंड 80,000 बेड्स है, नहीं 80,000 बेड का जरूरत पड़ेगा और बेड्स जो होंगे वो अराउंड 10,000 या ऐसे बेड होंगे। तो यानी कंप्लीट ये मतलब बोला जाएगा कि आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है सब कुछ अगला महीना तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जम्मू के लोग कश्मीर के लोगों से ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कि कुछ लोग कि ये हमारे लिए ये डोमिसाइल के जो रूल्स है या जो हम जो कश्मीर को सबक सिखाया गया उसमें खुश हैं कि कश्मीर को सबक सिखा दिया गया है, लेकिन अच्छा वो तो अगला बार तक आ ही जाएगा, लेकिन एलईडी वाला बात तो चल ही रहा है, 72,000 वाला अब डिस्प्यूट हुआ है तो कौन किया उसको देखना पड़ेगा कि डिस्प्यूट किया कौन है। हाँ देखिए ये बात तो सच है कि जो रिजीम्स हमारी आ रही हैं, जो सरकारें आ रही है, ये सरकारें सबसे ज़्यादा फोकस रह रहा है सरकार बनाने पर, किसी भी तरह से चुनाव जीत जाना है, सत्ता को हासिल करके रखना है, ये प्राइमरी एम हो गया है, प्राइमरी एम। आप देखे ना इस कोविड के दौरान में गुजरात में विधायक लोगों का खरीद बिक्री चल रहा है, ये मतलब सेंसलेस है क्या कर रहे हैं लोग।
वहाँ पे विधायक लोगों का खरीद बिक्री चल रहा है, कांग्रेस अपना विधायक छुपाने के लिए वो जा करके एक रिजॉर्ट में उन लोगों को रख दी है ताकि वो उनका खरीद ना हो सके। तो गुजरात सरकार उस रिजॉर्ट पे केस कर दी है कि रिजॉर्ट तो बंद है लॉकडाउन में, तो तुम ये एमएलए लोगों को कैसे रखा हुआ, मतलब फैला हुआ तो फैला हुआ है बट अपना काम चलते रहना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बोल ही रहे थे कि कश्मीर के लोगों को सबक सिखाया गया, ये जम्मू के लोगों के लिए एक एक अच्छा, मतलब उनको लगा कि चलो सबक सिखा दिया। लेकिन अब ये इनको लग रहा है कि अब हम भी इसमें फंसेंगे, क्योंकि क्योंकि लोग जो बाहर के लोग होंगे वो कश्मीर से ज़्यादा जम्मू में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल कल्चरल एंड रिलीजियस प्रॉक्सिमिटी। जम्मू में अगर आप ज़मीन लेंगे तो आपको कोई भी जो लोकल लोग होंगे वो गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका लैंग्वेज रिलीजन इंडियन हार्टलैंड का है। तो ये इनको लग रहा है कि ये तो ये जो होगा इट विल बी मोर लुक्रेटिव डेस्टिनेशन हो जाएगा। फिर क्या है कि यहाँ पे वॉलेंस जम्मू में नहीं होता है, इसलिए भी ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब जो है ये जम्मू के लोगों का एक एक समस्या चल रहा है। अब एक हमको यहाँ पर एक ऐसा न्यूज़ मिला है जिसको बाद में कंफर्म कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। इसमें एक बहुत अजीब सा बात दिया है, लेकिन उसको आने दीजिए, नया न्यूज़ तब हम लोग देखेंगे कि डीलिमिटेशन जो कश्मीर में होने वाला है, अगर ऐसा सच है, ऐसा तो कंस्टिट्यूशन होता नहीं है, वो इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया नॉट पॉपुलेशन अलोन। आश्चर्य होगा अगर कि अभी तक तो डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है, लेकिन अगर एरिया के बेसिस पर भी अगर होना शुरू हो जाएगा तो जम्मू को ज्यादा सीट मिलेगा, ये सच है। लेकिन तब क्या है कि 25 असेंबली सीट जो होंगे वो जो लोग पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी यहाँ पे आके जम्मू में रह रहे हैं उनको दिए जाएंगे, अगर ये सब होता है तो। तो जम्मू के लोगों का एक डर ये है कि जम्मू के प्रॉपर लोग नहीं बल्कि मुख्यमंत्री, अगर अगर डीलिमिटेशन का जिसमें ऐसा बात लिखा है, कुछ कुछ बातें बहुत कंफ्यूजिंग है और कंट्रोवर्शियल दिख रहा है हमको इसमें, बट इसमें ये दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो डीलिमिटेशन होगा उसमें जम्मू का सीट बढ़ेगा, एक सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। और 25 सीट्स जो होंगे वो तो अब सीट टोटल सीट्स तो अराउंड 130 के आसपास ही वहाँ पर हमको जहाँ तक याद है होने चाहिए, असेंबली में कुछ इसी तरह का होगा, 100 से के आसपास में ही है, 20 सीट उधर कर दीजिए। और तो खैर ये अगर 25 असेंबली सीट्स, फिर अगर देखेंगे अगर जो लोग पाकिस्तान से भाग के आकर के जम्मू में रिफ्यूजी रह रहे हैं, तो जम्मू को लग रहा है कि हिंदू चीफ मिनिस्टर कभी ना कभी मिल जाएगा, क्योंकि जम्मू का सीट बढ़ेगा। लेकिन ये जम्मू वाला नहीं होगा हिंदू, वो पाकिस्तान का रिफ्यूजी हिंदू होगा। तो ये इस तरह का भी बात जो है ये सोच रहे हैं, पढ़िएगा है बाकी। आगे बढ़ते हम लोग। दक्कन क्वीन ट्रेन का नाम है, ये ट्रेन पुणे टू मुंबई चलती है और इसका बहुत सारा खूबी है। ये दुनिया इंडिया का फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन है, फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन है, और ये फर्स्ट वुमेन ओनली कार, फर्स्ट ऐसा है जिसमें वुमेन ओनली कार है। तो इसका जन्मदिन मनाया गया, हालांकि जन्मदिन में ये लॉकडाउन में खड़ी रही। तो ये जो था ये दक्कन क्वीन जिसका बात कर रहे हैं, मुंबई टू पुणे का ट्रेन है ये फर्स्ट जून 1930 से चल रहा है। कौन चलाया? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये उस समय का जो महाराष्ट्र वाला सेक्शन था, उस सेक्शन में महाराष्ट्र वाला जोन में ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे नाम था, जो अभी सेंट्रल रेलवे बोला जाता है। पुणे को क्वीन ऑफ दक्कन कहते हैं, तो इसी के नाम पर इसका नाम दक्कन क्वीन रखा गया है।
बाकी पढ़िएगा, आगे चलते हैं। लोकस्ट के बारे में, टिड्डियों का दल के बारे में काफ़ी न्यूज है। पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित हो गया है, इंडिया में भी अभी डैमेज कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ हम पढ़ा चुके हैं, जो नया कुछ है वो बता दे रहे हैं कि ये 1926 to 31, 32 तक ये प्रॉब्लम रहा, और उसी दौरान में '39 में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना। इसका जो हेडक्वार्टर था पहले कराची में था, ठीक, अभी कहाँ पे है इसका LWO का हेडक्वार्टर, इंडिया में जो है, ठीक है। तो ये जो आंसर आ गया मेरे पास, तो जोधपुर में है, ठीक, हमारा जोधपुर में भी एक है। अच्छा, अब क्या रीज़न है? रीज़न ये है, इस लोकस्ट के ब्रीडिंग के कई चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एक हल्का सा रिवीजन मार रहे हैं यहाँ पे, कि आपको याद होगा कि स्टॉर्म उठे थे अफ्रीका में, यमन, ओमान, ये सब एरिया में। तो ये जो स्टॉर्म आए थे, स्टॉर्म के कारण क्या हुआ, ह्यूमिडिटी आया, तो ये सब एरिया में अच्छा खासा ब्रीडिंग हो पाया लोकस्ट का। दूसरा बात है कि मॉनसून जो था हमारा पिछला साल वाला, वो पिछला साल मॉनसून काफ़ी ज़्यादा आया, और ज़्यादा ही नहीं आया, वो लेट से ख़त्म हुआ। लेट से ख़त्म होने के कारण भी राजस्थान वगैरह में ज़्यादा मॉइस्चर मिला, थोड़ा सा और बता रहे हैं कि मॉइस्चर यहाँ पे मॉइस्चर मिला। उसके बाद क्या है कि इस बार मॉनसून के बाद ठंडा आया तो पानी कम होना चाहिए था, मतलब ह्यूमिडिटी कम हो जाना चाहिए था, बारिश तो होता नहीं है, लेकिन पूरा करीब करीब ठंडा का मौसम में, और इवन यहाँ तक कि जब मार्च में गर्मी पड़ जाना चाहिए था, ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाना चाहिए था, उस टाइम में भी लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है इस साल, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ करके ये सब एरिया में काफ़ी डेजर्ट एरिया में बारिश हुआ है। तो डेजर्ट एरिया का मिट्टी जो है, अगर मॉइस्ट है, तो ये लोकस्ट का ब्रीडिंग के लिए बहुत बहुत अच्छा सिचुएशन है। तो बहुत सारे फैक्टर लोकस्ट के लिए आए, वो जो स्टॉर्म्स आए वो आए, इंडियन ओशन डायपोल से बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, देर तक चलने के बाद पीछे पीछे वो आना शुरू हुआ, हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी बारिश भी इतना हुआ कि लगातार मार्च अप्रैल तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है। तो ये काफ़ी इन लोगों को ये इस बार फ़ायदा हुआ है। पॉजिटिव डायपोल को याद दिला दे रहे हैं, पॉजिटिव डायपोल क्या है, अगर यहाँ का टेम्परेचर, इस एरिया का टेम्परेचर जो है, अगर इधर के टेम्परेचर के मुकाबले 1 डिग्री ज़्यादा है, इसका प्लस में है, तो बोलते हैं पॉजिटिव डायपोल है। लेकिन क्या था, पिछला बार 2 डिग्री ज़्यादा हो गया था, तो वो डायपोल के कारण काफ़ी बारिश होता है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो बारिश ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव डायपोल हम लोग देखे हैं पिछला बार। तो एक्सटेंडेड रेनफॉल, एक ड्राई सैंड बिकेम हैवली मॉइस्चर लडन, फिर इधर में क्या हुआ कि अम्फान आया। अम्फान का मतलब हो गया कि यहाँ पर इस एरिया में जो होगा लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर बनेगा तो फिर हवा इधर चलेगा, तो टिड्डी लोग तो वो पैसिव फ्लायर होते हैं, तो वो हवा के साथ साथ में ये उड़ करके इंडिया में घुस रहे हैं। इवन चांस है कि बिहार और उड़ीसा में भी हिट करेंगे। जब ये लोकस्ट का अटैक होता है तो
जिस साल होता है तो जनरली 2 साल का होता है, मतलब इस साल आए हैं तो अगले साल भी हो सकता है आएंगे ये, और उसके बाद 7-8 साल का फिर गैप होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो इंडियन ओशन डाइपोल ज़्यादा होगा, और ज़्यादा फ्रिक्वेंट होगा तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा ये वाला प्रॉब्लम आएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से इसका ये जुड़ा हुआ है। अम्फान बहुत डैमेज किया है बंगाल को, तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बहुत ही जो बहुत पुराने पुराने ट्री है वो डैमेज हुए हैं। तो जैसे सेरामपुर कॉलेज है, सेरामपुर कॉलेज ये बनाया गया था विलियम कैरी, ठीक, ये डैमेज हुआ है, मतलब हेरिटेज, कुछ हेरिटेज स्ट्रक्चर का नाम दिखा रहे हैं जो कि अम्फान डैमेज किया है। डुप्ले पैलेस एट चंद्रनगर, ये डुप्ले बनाया था, फ्रांसीसी था, ये फ्रांसीसी था, काफ़ी नाम है इसका हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाएंगे, तो ये भी डैमेज हुआ है। हुगली इमाम बाड़ा भी डैमेज हुआ है जो कि 1841 से 61 के बीच में बना था। जातार देउल, ये एक मंदिर है नाम खाना में, ये मंदिर भी डैमेज हुआ है। और एक चर्च है जो ये बच गया, और मेट काफे हॉल बच गया। खैर आगे बढ़ते हैं, हम पिछली बार ये बताए थे कि हावड़ा में एक बोटानिकल गार्डन है, इसका नाम है जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन। ये गार्डन जो था इसमें भी काफ़ी ट्री है, ये भी बर्बाद हुई है। तो ये बनाया गया था 1787 में, कौन बनाया था, रॉबर्ट काइड। रॉबर्ट काइड पलासी का लड़ाई के 30 साल बाद, क्या क्यों बनाए थे, इनको हॉर्टिकल्चर का नॉलेज था ताकि पैसा बनाया जा सके, इसके लिए मेनली बनाया गया था। तो यहाँ पर जो डैमेज हुआ है ग्रेट बनियान ट्री का, ट्री तो बच गया सही बात है, लेकिन इसका काफी डैमेज फिर भी हुआ है। ये जो बनियान ट्री है, ये बनियान ट्री मतलब ये इसको प्लांट वहाँ पे नहीं किया गया है, बनाने के बाद बोटेनिकल गार्डन को, ये पहले से ही था, और ये इसका लाइफ स्पैन 6,000 ईयर्स होता है। एक मैड ट्री जो है वो भी डैमेज हुआ, ये मैड ट्री का जो पत्ता है वो हर पत्ता अलग अलग टाइप का है तो इसको मैट ट्री बोला जाता है, ये भी डैमेज हुआ है। तो काफ़ी कुछ डैमेज हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो साइक्लोन निसर्ग, साइक्लोन निसर्ग आया मुंबई में, मुंबई में आया, हालांकि मुंबई को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इससे। हम पहले आप लोग को बता चुके हैं कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हाई होता है कंपेयर टू अरेबियन सी। अब हाई होने का कारण बताया कि यहाँ नदियाँ आकर के लगातार पानी यहाँ पे डालते रहती है, जो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और नीचे का पानी जो होता है उसके साथ घुल मिल नहीं पाता आसानी से। दूसरा बात है कि ये जो एरिया है वो ज़्यादा नैरो है, इधर का एरिया ज़्यादा खुला हुआ है, तो विंड स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो हीट को हमेशा हटाते रहता है, यहाँ पर उतना स्पीड नहीं मिलता, इसलिए भी विंड तो यहाँ पे गर्मी रह जाता है, वो हवा इसको हटा नहीं पाती। तो यहाँ पे ज़्यादा आते हैं साइक्लोन, और ज़्यादा फ्यूरियस साइक्लोन आते हैं। तो अम्फान तो आया ही आया, लेकिन निसर्ग भी आया इधर में अभी। अब फिर इसका कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ही होगा कि ओशन वार्म हो रहे हैं, वार्म हो रहे हैं तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो फिर साइक्लोन्स आएंगे। तो साइक्लोन जो होते हैं साल भर में, जनरली वेस्टर्न, अगर बात करें वेस्टर्न कोस्ट पे, तो 1 या 2 ही आते हैं, लेकिन इस बार पिछले साल 5 साइक्लोन आए थे, यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है, ठीक। खैर एक थोड़ा सा दूसरा टाइप का स्टोरी बता देते हैं आप लोगों को इस साइक्लोन से रिलेटेड, कि हमारे मीडिया का क्या हाल है ये भी जानना चाहिए। एबीपी न्यूज जो है, एबीपी न्यूज का एक रिपोर्टर साइक्लोन में मद्रास से रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग में
वो माइक पकड़ा हुआ था, बोल रहा था अरे मैं उड़ जाऊंगा, लग रहा है मैं उड़ जाऊंगा बिल्कुल, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि अभी हवा जो होगा, मतलब इतना हवा चल रहा है, वो अपने को दिखा रहा था। ठीक, मतलब टीआरपी के लिए क्या क्या कर सकते हैं लोग। तो वो टीवी में न्यूज चल गया और पीछे में एक आदमी जो था, उस पीछे में जैसे हम यहां से आप लोग को बोले उड़ रहे हैं, और पीछे में कोई एक डस्टबिन में आराम से कचरा डाल रहा। ठीक, तो वो कुछ लोग जो है ना, वो पीछे में देख लिए कि आदमी वो डस्टबिन में आराम से कचरा डाल रहा है। तो एबीपी न्यूज का बहुत मजाक उड़ाया क्या कि फेक न्यूज देता है। बाद में वो क्लरिफिकेशन दिए, कोई नहीं माना, वो खाली क्लरिफिकेशन जो था वो डिसलाइक ही हुआ। तो टीवी देखते हैं आप तो बड़ा सावधान रहिएगा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये न्यूज नहीं चला रहे, सीरियल चला रहे हैं। आईएमडी के हिसाब से ये जून 1 को केरल में मानसून हिट कर गया है। मानसून मानसून हिट कर गया है यानी बरसात का मौसम आ रहा है। इक्वेटर में हवाएं जो होती है, अगर ये साउदर्न हेमिस्फेयर में होंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, लेकिन मई का लास्ट आते आते हवाएं जो होती है वो ऐसे चलना शुरू हो जाती है। उसके पहले इधर में हवाएं ऐसे चल रही थी, आप यहाँ समझिएगा, लेकिन वो मुड़ जाती है और हवाएं, ये जो विंड इधर से जाते हैं और यहाँ पे टकराते हैं और ये लगातार अगला 3 महीने तक हवा ऐसे ही चलेगा। ओशन से मॉइस्चर लेकर के आ करके ये सारा का सारा एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मॉइस्चर लाएगा ये, और बरसात का मौसम 3 महीना का हमारा शुरू हुआ। तो केरल में ये स्टार्ट हो गया है। शुरुआत में ये कहना था आईएमडी का कि ये लेट से आएगा मॉनसून, क्योंकि इस बार गर्मी कम पड़ा है। क्यों बताएं? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस आके बारिश कराते रहे थे, तो गर्मी कम पड़ेगा तो ये जो एरिया होगा वो कम गर्म होगा। तो गर्मी के कारण लो प्रेशर बनता है, हवा जो होता है ये गर्मी में ऊपर उठता है। तो अगर यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, हवा ऊपर उठ जाएगा यहाँ का, तो फिर ओशन से हवा जा करके उस डायरेक्शन में जाकर जाएगा उसका जगह लेने के लिए। तो आईएमडी का कहना था कि चूंकि गर्मी कम पड़ा है इस बार, तो इसलिए थोड़ा लेट से मानसून आ सकता है, लेकिन फाइनली वो लास्ट लास्ट में बोला कि नहीं, 1 जून को ही आएगा और 1 जून को टकराया। एक मिनट, अब मॉनसून का मतलब हुआ कि केरल में बारिश आना शुरू हो गया, लेकिन केरल में बारिश केवल हो जाए तो इससे डिसाइड नहीं होता है कि मॉनसून आ गया। उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? 3 मेजर कंडीशंस। तो केरल में और कर्नाटक में कुल मिलाकर के 14 वेदर स्टेशंस हैं। इसमें से अगर 60% जगह में 2 दिन लगातार 2.5 mm या ज़्यादा बारिश हो, 2 दिन तक अगर बारिश हो, तो फिर तो एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। मतलब बारिश होने के दिन आईएमडी नहीं बोलेगा मानसून आ गया, 2 दिन तक बारिश होगा तो एक क्राइटेरिया फुलफिल होगा। दूसरा बात कि विंड स्पीड जो होने चाहिए वो 30 to 40 किलोमीटर होने चाहिए। अब यहाँ पे जो बनाए हैं कि ये विंड यहाँ से इधर में आ रहा है इंडिया की तरफ, तो इसका स्पीड 30 to 40 किलोमीटर पर आवर अगर होगा, ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। दूसरा बात है कि विंड का डेप्थ भी होना चाहिए, वो कुछ यहाँ पे स्केल है 60 हेक्टो पैस्कल, ये होना चाहिए। और इसके अलावा रेडिएशन का भी एक उसका कंडीशन है, आउटवेव लॉन्गवेव रेडिएशन, ये जो होना चाहिए ये below 200 watt per square meter होना चाहिए। ये सब कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी आईएमडी बोलेगा कि मॉनसून आ गया है। तो ये कंडीशंस कुछ वो फिक्स करके रखा हुआ है। तो इस साल का क्या फॉरकास्ट है? अबव नॉर्मल।
पिछला बार क्या था? पिछला बार जो था नॉर्मल था, नॉर्मल था, लेकिन एक्सेसिव रेन हुआ है पिछला बार। ये फेलियर था आईएमडी का, इस पर बोल रहे हैं अबव नॉर्मल है, और बोल रहे हैं कि अगर अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट इधर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एरिया में अच्छा बारिश होगा, ऐसा आईएमडी का प्रेडिक्शन है। तो अच्छा बारिश होगा, तो आप बताइए कि ये जो लोकस्ट प्रॉब्लम का क्या होगा? हाँ, तो अच्छा बारिश होगा तो लोकस्ट प्रॉब्लम भी बढ़ने का चांस रहेगा। तो इस बार का नेशनल न्यूज़ में जो नॉन कोविड न्यूज है वो कवर किए, कल हम लोग इसको कोविड रिलेटेड न्यूज पढ़ लेंगे, और बिजनेस न्यूज भी मोस्ट प्रोबेबली कवर कर जाएंगे। हाँ, और फिर ब्रीडिंग के लिए भी उनको चांस मिल जाएगा ना उनको बाद में, तो राजस्थान में। तो किसी को कुछ पूछना है? और नहीं पता देव, अभी हम ट्रैक नहीं किए न्यूज को, हम थोड़ा न्यूज थोड़ा लेट से पढ़ते हैं, जब पूरा कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है तब बताते हैं आप लोगों को। नहीं, पीएम केयर्स को और कैग का ऑडिट करने का चांस नहीं है। नहीं, डाइपोल जो होता है ना, अगर डाइपोल आया है पॉजिटिव है तो पूरा इंडिया में अच्छा बारिश होता है। कैग ऑडिट नहीं करेगा उसको, ऑडिट वो जो उसके ट्रस्टी है वो अपना प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराएंगे। जैसे एल नीनो जो होता है, हाँ एल नीनो जो होता है, एल नीनो आया तो इंडिया में कम बारिश होगा, डाइपोल अगर पॉजिटिव है तो फिर इंडिया में ज़्यादा बारिश होगा। नहीं आतुफ, अभी से एक आपसे थोड़ा सा देर बात करें, पहले आतुफा का बात कर लेते हैं। उसमें क्या है ना कि 4% 88 cm, 4% प्लस 4% माइनस, इसको नॉर्मल जोन में रखते हैं। उसके आगे फिर होता है, और परसेंटेज हमको याद नहीं है, उसके आगे एक परसेंटेज होता है जिसके अबव नॉर्मल बोलते हैं, और उससे अगर पीछे साइड में अगर कम हो जाए 4% माइनस 4% से भी कम तो डिफिसिट, और उसके भी और आगे हो जाए तो और भी कुछ उसके टर्मिनोलॉजी यूज होता है एक्सेस रेन के बाद कुछ और, अभी अबव नॉर्मल और एक्सेस रेन, सॉरी नॉर्मल अबव नॉर्मल एक्सेस, फिर पीछे साइड में जाएंगे तो 4% से कम हो गया तो डिफिसिट, और उससे भी कम होता है ड्रॉट ईयर बोलते हैं। फिर नहीं, 4% ही है, 4% हमको याद है, लेकिन 4% से आगे वाला हमको ध्यान नहीं आ रहा है, वो हम बोल दे रहे हैं हमको क्या ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी बता दे रहे हैं, अभी बता दे रहे तुरंत। जो हमको ध्यान है ना
कि जैसे ये हमारा हो गया 88 cm, 88 तो प्लस माइनस 4% इज नॉर्मल। अब इस 4% से भी अगर बाहर जाएंगे, 4% से भी ज़्यादा आगे निकल गए तो ये हो जाएगा हमारा अबव नॉर्मल, इधर में फिर हो जाएगा डिफिसिट, बिलो नॉर्मल। अच्छा हो सकता है, अब अच्छा हम अभी हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया होगा, 5% हो गया होगा। और फिर अगर यहाँ से भी और ज़्यादा हो गया तो एक्सेस हो जाएगा, और ये इधर से कम हो गया तो ड्रॉट हो जाएगा। तो वो परसेंटेज वाइज चलता है, एग्जैक्ट नहीं। अगर 5% हो गया तो 5% होगा, हो सकता है हम भूल रहे होंगे, 4 का जगह 5 हो गया हो तो। अच्छा और किसका क्वेश्चन था कि इलेक्शन में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका जो आंसर है ना सौरव, ये अभिषेक, इसका आंसर हम थोड़ा दूसरा तरीका से करेंगे। देखिए कैग जो है वो ऑडिटिंग करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हमें मान सकते हैं कि ये जो होगा इसका ऑडिटिंग जो होगा। दूसरा बात है कि इसका ऑडिटिंग जो होता है वो हमारे मेंबर्स देखते हैं, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो ये अगर प्राइवेट है, अगर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो इसको किसी से भी ऑडिटिंग कराया जा सकेगा, किसी से भी कराया जा सकेगा। अब वो ऑडिट करने वाला जो होगा, वो ऑडिट करने वाला पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उसका इंटीग्रिटी पे। दूसरा बात है कि पब्लिक डोमेन में ऑडिट आएगा कि नहीं आएगा, वो भी एक हम लोग के पास क्वेश्चन उठता है कि पब्लिक डोमेन में आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसका इंटीग्रिटी, जैसे हम एक या आपको बताएं कि सत्यम वाला घोटाला हुआ था, इलेक्शन में हम आ रहे हैं, सत्यम वाला घोटाला हुआ था, तो उसमें ऑडिटर जो था वो ऑडिटर वो सही रिपोर्ट नहीं किया, सत्यम डूब चुका था लेकिन वो रिपोर्ट नहीं किया। तो इलेक्शन में आप बोल रहे खर्च करना या बाकी जगह में, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको भूल के नहीं यूज करेंगे, ये सच है, इसको भूल के नहीं करेंगे यूज की यहाँ पे हम यूज किए, बट कर सकते हैं। क्योंकि तब क्या होगा कि उस फंड का जो ऑडिटर को दिखाएंगे कि यही वाला माइग्रेंट जो था, इस माइग्रेंट को एक बस में ले जाया गया बिहार, और इसमें 10 लाख खर्च हुआ, और रियलिटी में अगर खर्च हुआ हो 2 लाख, तो 8 लाख रुपया जो है वो जनरेट हो जाता है दूसरा जगह में खर्च करने के लिए। तो ये जनरली कैग जब पकड़ते हैं ना, तो कैग क्या करते हैं, पकड़ते हैं तो ये पता करते हैं कि बस का सही में भाड़ा कितना है वहां से वहां तक, तो ये बता देंगे कि ये गड़बड़ है, फिर वो हमारी पीएसी मिलेगी और वो काम करेगी। लेकिन जब अपना पर्सनल आप किसी सीए को रखते हैं तो चांस तो रहते ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएंगे। तो वैसे आप बोलेंगे इलेक्शन में खर्च होगा कि नहीं होगा, तो हाँ बता के कभी नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। लेकिन पैसा का मिसयूज, अगर पब्लिक डोमेन में आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखे हैं तो मिसयूज हो ही सकता है। सबसे बड़ा बात यह है कि एक सिंपल सा बात है यहाँ पे कि जब जनता पैसा दी है, पब्लिक सेक्टर से पैसा लिए है, तो इसको आरटीआई के दायरे में अगर अगर क्वेश्चन आ ही गया था और दे ही देते तो क्या हो जाता। सवाल तो ये है कि क्या हो जाता उससे, वो आरटीआई के दायरा, आरटीआई को बताने की जरूरत है, आरटीआई एप्लीकेशन आप दे देते तो उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, अब कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा दीजिए कि वो भी नहीं चेक कराता था ऐसा वैसा, तो ठीक है, बट बात तो है कि हम लोग वही रह गए ना, चेंज कहाँ हुआ। और कुछ हाँ, जैसे कॉमनवेल्थ गेम में हुआ था, वो तो पकड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे अगर उसका अपना ट्रस्टी लोगों का अपना प्राइवेट सीए होगा तो पता नहीं क्या होगा फिर।
तो प्रोबेबली और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं क्लास।